विनोद कैनी बोल रहा हूँ, मैजिक कैरी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। सेंसुई कंपनी में लगा हुआ ये बोर्ड है। इस बोर्ड का नंबर आपको दिखा देते हैं, आप आ जाएंगे पास में। ये नंबर है इसका, और इसमें फॉल्ट क्या है पहले देखने से पहले हम डायोड टेस्ट लेंगे। डायोड टेस्ट लेके हम आपको इंडिकेटर की कंडीशंस दिखाएंगे, उसमें क्या फॉल्ट है देखेंगे, क्योंकि ये आया है भीग कर, है ना। ये पानी में भीगा हुआ सेट था, कहाँ कहाँ पानी गया है वो हमें मालूम नहीं है, तो सूख चुका है लेकिन अभी तो। लेकिन अब हम चेक करना चाहते हैं इसमें कोई ऐसी हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है पानी की वजह से। तो सबसे पहले डायोड टेस्ट ले लेते हैं। डायोड टेस्ट के लिए मीटर को हम डायोड की रेंज में, ये डायोड का निशान आ गया है, सभी लाइन को टेस्ट करेंगे। ये 0.051 वन वोल्ट की लाइन लगती है, 1.2 वोल्ट की लाइन, ये थोड़ी लो बता रही है, चलेगा देखते हैं बाद में। यहाँ पर 0.171 ये सही है, यहाँ पर 0.125 ये ओके लग रही है। अभी कोई अभी तक हार्ड शॉर्टिंग नहीं मिली हमें कोई, ठीक है, कोई भी बड़ी हार्ड शॉर्टिंग जिसको बोल सकते हैं, 0.0 मतलब हार्ड, ऐसी कोई शॉर्टिंग अभी देखी नहीं है। तो अभी इस कंडीशन में हम पावर दे के देख सकते हैं। तो पावर देने के लिए हम पहले इंडिकेटर लाइट आपके सामने रखते हैं। कभी कभी एक ब्लिंक आके भी बंद हो जाता है कई बार, तो इंडिकेटर लाइट में होता है टीवी, और कई बार नो इंडिकेटर होता है। तो चालू करके देख लेते हैं इसकी स्थिति है नो इंडिकेटर, ठीक है। पावर दिया है हमने लेकिन कंडीशन इसकी कोई इंडिकेशन की नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं कंप्लीटली डेड कंडीशन, मतलब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है बोर्ड। इसको चालू करने का प्रॉपर प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले ऑलवेज इस टाइप का बोर्ड आता है आपके पास, और आप कभी भी कुछ चेक करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो मेन फिल्टर को पहले डिस्चार्ज कर दो। ये डिस्चार्ज हो गया, अभी हम इसको भी पास में ही रख लेते कि बार बार यूज होगी। अभी हम वोल्टेज से शुरुआत करेंगे पहले, है ना। सभी वोल्टेजेस चेक करना है पहले, डायोड टेस्ट लेना है, फिर वोल्टेजेस, वोल्टेज अगर जो सही है उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी प्रोसेसर में जा रही वोल्टेज, ईएमएमसी में जा रही है, वो सारी वोल्टेजेस चेक करेंगे। कि इसमें इंडिकेटर भी नहीं आ रही है ना, तो हमने इसके लिए एक प्रोग्रामेबल डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जिससे हम 12 वोल्ट देंगे, 5 एम्पियर पे इसकी एम्पियर रेटिंग सेट। अभी ये कितना लोड ले रहा है वो हमको आउटपुट बटन दबाने के बाद पता चलेगा। ये बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, कम ले रहा है, सब कुछ ये हमको बताएगा। तो देखो ये थोड़ा टाइम लेना है उसको स्थिर होने के लिए, फिर एक जगह पे फिक्स होगा। अगर जो ब्लिंक ही हो रहा है तो फिर ब्लिंक होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 48 से लेके 51 मिली एम्पियर के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, और ये 0.5 वाट की आउटपुट के साथ, मतलब कुछ सर्किट है जो काम भी कर रही है। लोडिंग कंडीशन नहीं है, लोडिंग कंडीशन होगी तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लोडिंग कंडीशन भी नहीं है लेकिन ये काम भी कर रही है। तो ये इस कंडीशन में इंडिकेटर लाइट की स्थिति, अगर जो फिर भी नो इंडिकेटर हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि कम से कम 9 वोल्ट भी मिला ना, अगर जो कोई भी रेगुलेटर को जिससे ये प्रोसेसर की वोल्टेज बन रहे हैं ईएमएमसी के, तो भी वो पूरे बनेंगे। ये कम से कम इंडिकेटर लाइट आनी चाहिए, 11.24 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो करना ही है। लेकिन वो करने के बाद भी यहाँ पर फॉल्ट है दिखाने के लिए हमने इसे यूज किया। अब कौन से वोल्टेज है जो नहीं आ रहे, कौन से वोल्टेज है जो पहुँच रहे हैं, या कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, वो सब देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वोल्टेज डीसी लेंगे और सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे। ये इंटरनल रैम के लिए, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल रैम है क्या, तो ये किसके लिए है, वन वोल्ट कोर सप्लाई और प्रोसेसर। और यहाँ पर अभी तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख सकते हैं ना, क्योंकि हम पावर सप्लाई को कनेक्शन ही नहीं दे रहे हैं। 1 वोल्ट तो इसमें डबल ड्यूअल कोर सप्लाई होती है, और ये मैंने देखी हुई है, तो ये कोई गलत नहीं है, दोनों 1 वोल्ट है। यहाँ पर देखो 1.8 एम एम सी की 3.3 वोल्ट,
UMC की, ओके। तो हमने 3.3 भी देख लिया, 1.8 भी देख लिया, 1.2 ये किसकी है? रैम प्रोसेसर 1.2 और 1.5 रैम की, वो रैम की, ठीक है। तो ये सभी वोल्टेजेस देखने के बाद एक चीज़ तो फाइनल हो गई, स्टैंड बाई सप्लाई भी आ गई, प्रोसेसर को जाने वाली तमाम सप्लाई आ गई, कहीं भी लोडिंग कंडीशन प्रोसेसर की जाने की दिखी नहीं, ना ही हमने डायोड टेस्ट में ऐसा कोई ऑब्जर्व किया। तो ऐसे केस में नॉर्मली प्रोसेसर और EMMC के बीच में आके बात अटक जाती है, या तो EMMC में डेटा फेलियर हो जिसकी वजह से नो इंडिकेटर, या प्रोसेसर की अंदर की प्रॉब्लम, या तो ड्राई सोल्डर, लूज कनेक्शन, प्रोसेसर खुद खराब हो गई, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में प्रोसेसर को निकाल के एक बार रिवॉल्व करके देखेंगे, EMMC IC को भी निकाल के रीड करेंगे, रीड कर लेने के बाद उसकी हेल्थ चेक करेंगे, ठीक है। ये दोनों काम करना है हमें, तो सबसे पहला काम हम क्या करें, प्रोसेसर का इलाज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट, ओके, मशीन स्टार्ट कर देते हैं। अभी निकालने के टाइम आपको बताते हैं, अब टाइम हो गया 5 सेकेंड, स्टार्ट। बहुत गंदी हालत थी, तू दिख रहा है नहीं, नहीं, नहीं। जल चुकी जैसा है ना, उसको रख देते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, ये इतना हिस्सा ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जलने की निशानी है, मतलब गर्म होके काला हो गया बोर्ड, पानी अंदर था और पावर दे दिया आपने, ठीक है। तो इसके खड़े होने के चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी इस मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हाल प्रोसेसर का है वही हाल EMMC का भी होगा। तो हम EMMC IC को भी बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम ये स्टेंसिल का यूज कर रहे हैं, 0.35 mm, ठीक है। इसमें सभी बॉल्स को मिला के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ तीर हमने सामने रख दिया, हमने प्रोसेसर रिबॉल करके लगाया था, ठीक है। इसमें EMMC का भी फॉल्ट निकला था, यह हमने EMMC चेंज कर दी है। इसमें एक पिन जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो पिन पे रिबॉलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज ये जंग लगा हुआ है इस पे। तो ये पिन बहुत इम्पॉर्टेंट थी, VSSG मतलब ग्राउंड। तो यहाँ पर हमने अभी EMMC में डेटा वो वाला डाल दिया जो हमने रीड किया था इसी में से, और ये दूसरी IC में हमने डाला है ये चलता हुआ दिखाने के लिए। और ये IC का नंबर प्रॉपरली दिखा लो, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि दूसरी IC में ये बोर्ड जो है चालू नहीं होता। तो ये हमने IC यूज़ किए रिप्लेसमेंट में, और अब हम देख लेते हैं क्या इसमें पिक्चर बन रही है। ये हमने TV ऑन किया, हीट सिंक रख देते हैं IC पर, प्रोसेसर पर, ऑन कर लो जरा। इंडिकेटर लाइट की स्थिति जो है रेड से ऑन किया हमने, सेंसुई का TV है, लोगो सेंसुई का आ गया है। अब हम देखते हैं ये आगे बढ़ रहा है या नहीं। यस, आगे बढ़ चुका है। ये है मुंबई से जावेद खान, जयेश से परेश अड़िया, परेश जोधपुर से रफीक राजस्थान, नागपुर से संजय। सो अभी हीट सिंक कंपाउंड लगा लेते हैं। ये मैं जो लगा रहा हूँ वो है GY 260, ठीक है। ये
नीचे जो कलर दिखता है ना उससे भी हमको कई बार अंदाजा मिलता है कि आईसी को ड्राई शोल्डर मारने की जरूरत है या नहीं। ये लाल हो जाता है, इससे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है मतलब ड्राई शोल्डर बनाई होगा।